ये शाम मस्तानी मदहोश की ये जा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहो मेरे हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख अपने शानदार अभिनय और फिल्मों के लिए जानी जाती है। आशा पारेख फिलहाल फिल्मों की दुनिया से दूर है, लेकिन वह अभी भी अपने फैंस के दिलों में राज करती हैं। आशा पारेख ने बीते दौर में कई फिल्मों में काम किया है और अपनी अदाकारी से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों को चुराने वाली आशा पारेख असल जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। दरअसल अभिनेत्री ने कभी शादी नहीं की, जिसका उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है, जिसका खुलासा अभिनेत्री ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में किया था। आशा पारेख ने साल 1952 में बतौर बाल कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। हालांकि शुरुआत में मिली नाकामी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान हासिल की। यही वजह थी कि उन्हें उस दौर में भारतीय सिनेमा की हिट गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। बतौर बाल कलाकार पहली फिल्म करने के बाद आशा ने घराना, जिद्दी, उपकार, आया सावन झूमके, कटी पतंग, मेरा गांव मेरा देश, कलियां और घर की इज्जत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया था। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। आशा पारेख ने फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ कई गाने भी गाए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। सदियों से तुझसे मिलने जरा बेकरार था। अब आपको बताते हैं कि अभिनेत्री ने कभी शादी क्यों नहीं की। दरअसल आशा पारेख ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातों का खुलासा किया था। कम उम्र में डिप्रेशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, मैं जानती हूं कि जब जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन कम उम्र में अपने माता पिता को खोने का दर्द बहुत ही खराब होता है। मैं भी अपने माता पिता के चले जाने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना था। इसने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था। मैं काफी दुखी महसूस कर रही थी। मेरे मन में आत्मघाती विचार आने लगे थे। फिर इससे बाहर निकलने के लिए मुझे डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी। इंटरव्यू में जब अभिनेत्री से पूछा गया था कि उस समय उनका पसंदीदा सह कलाकार कौन था, तो उन्होंने बताया था, मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया और सभी बेहतर कलाकार थे, लेकिन जब मैंने अपनी पहली फिल्म शम्मी कपूर जी के साथ की थी, तब से वह मेरे पसंदीदा हैं। उनके साथ फिल्म करने के दौरान मुझे कैमरे का सामना करने में बहुत शर्म आ रही थी। शम्मी जी के साथ अपने पहले कुछ शॉट्स में मैं बहुत नर्वस थी। हालांकि वह मेरे साथ बहुत धैर्यवान थे और हर शॉट में मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया था कि गाने में लिप सिंक और इमोशन कैसे किया जाता है। हमारे लिए अभिनय करना मुश्किल नहीं था। मैं उन्हें फिल्म के बाहर चाचा कहती थी और जब हम शूटिंग कर रहे होते थे तो हम पेशेवर अभिनेता बन जाते थे। इसके बाद जब अभिनेत्री से पूछा गया था कि वह किससे ज्यादा प्यार करती हैं और उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बताया था, अपने माता पिता के बाद जिस व्यक्ति से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था वह बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक और निर्माता नासिर हुसैन थे। इसके बाद जब अभिनेत्री से पूछा गया कि अगर आप उनसे इतना प्यार करती थी तो आपने शादी क्यों नहीं की, इस सवाल पर अभिनेत्री ने जवाब दिया था, मैं कभी घर तोड़ने वाली नहीं थी। मेरे और नासिर साहब के परिवार के बीच कभी
कभी भी मनमुटाव नहीं रहा। वास्तव में मैं नुसरत और इमरान खान को अपनी पुस्तक के लॉन्च पर देखकर बहुत खुश हुई थी। मुझे लगता है कि मैंने अपना जीवन शालीनता से और किसी को चोट पहुंचाए बिना जिया है, अभिनेत्री ने आगे कहा था। वैसे भी मेरी शादी होना तय नहीं था, शादी करना और माँ बनना मुझे अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं होना था और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। फिलहाल आशा पारेख की शादी ना करने के फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। धन्यवाद।